नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, ट्विटर पर आयरलैंड के कई लोगों के प्राइवेट ट्वीट पब्लिक होने को लेकर कितने रुपए जुर्माना लगाया गया है? ए 4 करोड़ रुपए, बी 5 करोड़ रुपए, सी 6 करोड़ रुपए या डी 7 करोड़ रुपए। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर किसान बिल को लेकर जाप पार्टी द्वारा कचहरी चौक पर एक दिवसीय धरना। भागलपुर के कचहरी चौक पर जाप पार्टी द्वारा किसान बिल के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना में जाप पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसान के लिए जो बिल लाया है वह किसान विरोधी बिल है, जो किसानों के हित में नहीं है, इसलिए उक्त बिल को वापस करना होगा, अन्यथा किसान बिल के विरोध में कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में और किसान हित को लेकर आगे अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के समर्थन में ये धरना है और ये पूरे प्रदेश में जन अधिकार पार्टी की तरफ से धरना दिया गया है। किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, किसानों को जो इंडस्ट्री अलोंग का गुलाम बनाने का जो योजना है सरकार का, उस योजना को विफल करने के लिए धरना है। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उस हत्या से बचाने के लिए धरना है। क्या लगता है कि धरने के बाद सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, लोकतंत्र में हमको सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है और वही हम कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कुछ पार्टी जो है वो किसानों के कंधे पर रखकर और अपने पार्टी का प्रचार कर रही है। कुछ पार्टी नहीं, हमको लगता है कि लगभग पार्टी भाजपा को छोड़ के इस किसान के साथ है और भाजपा की का यही नीति ही रहा है कि अगर आप उसके विपक्ष में जाते हैं तो आप आतंकवादी हैं, आप जो है टेररिस्ट हैं, आपको कुछ से कुछ बता दिया जाएगा। तो भाजपा ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो चाहते क्या है? कि हम उनसे सवाल नहीं करें, उनकी गलत नीतियों का हम समर्थन करें? ये नहीं चलेगा। आपका परिचय? हम युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी भागलपुर। हम लोग किसान के लिए मतलब जो आए हुए हैं यहाँ पर कि जो हम लोग के साथ जो अत्याचार हो रहा हम लोग किसान भाइयों के साथ, उस मुद्दा पे हम लोग उसको लेके हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। कितना अत्याचार सहे, किसान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि खेती नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? अनाज से ही तो सभी हम लोग जीते। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। ताड़र महाविद्यालय में नवनिर्वाचित विधायक पवन यादव का किया गया अभिनंदन। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक पवन कुमार यादव का अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को ताड़र महाविद्यालय में बने अतिथि भवन में किया गया। अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने किया। कॉलेज के प्राचार्य द्वारा बुके एवं अंगवस्त्र देकर विधायक का सम्मान किया गया। आप लोगों ने हमको जिता कर करके हम गए हैं, इसका मतलब आप सभी पटना की धरती पर विधानसभा में हैं। आपके बेटा जरूर विधायक है, लेकिन मेरे तरफ से आप सभी क्षेत्रवासी जो सभी विधायक हैं, इतना ही कर कर करके आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल महोदय बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप भैया जी मंच पर विराजमान, हमारे सभी भाई युवा भाई सामने बैठे हुए, हमारी सभी बहने एवं बुजुर्ग आदर सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं, सबों को नमस्कार करते हैं। सोचे के लिए कहियो आज के लोग मिल कर कर करके वैसे छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक जो तंगी होगा उनको हम लोग सब मदद करके पढ़ाने का काम कर रहे हैं।
हमारा अगर गांव अगर शिक्षित होता है तो ही जिला शिक्षित होगा, राज्य शिक्षित होगा। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, अगर सब आदमी शिक्षित हो गए दुनिया में कोई चीज का कमी नहीं है। और हम आग्रह करेंगे तमाम किसान भाइयों से, माताओं से, बहनों से, युवा भाई से, इस कॉलेज में जो जो कमियां यहाँ अभी आप लोगों के सामने पढ़ करके बताया गया है, हम हर संभव प्रयास करेंगे, मेरा भरपूर प्रयास रहेगा और इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आपने जिस स्तर से मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं 24 घंटा आपके समाज में घूमते रहूंगा, आपके समस्या का समाधान करते रहूंगा, बशर्ते आप लोगों का सबों का सहयोग मिलेगा तभी कर सकेंगे। कुछ लोगों ने भी कहे थे बिजली का भी बहुत बड़ा स्कैंडल चला हुआ है, बोले कि कोई चीज है फोन नहीं उठाते हैं। नवगछिया अपर समाहर्ता ने जगतपुर पंचायत के सरकारी योजनाओं की जांच। अपर समाहर्ता भागलपुर मृत्युंजय कुमार ने बुधवार को नवगछिया प्रखंड के जगतपुर पंचायत में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने नल जल योजना, मनरेगा के द्वारा चल रहे योजना, वृक्षारोपण, गाय सेड एवं पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना का भी जांच किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के तहत किसान विपिन यादव के द्वारा उनके खेत में लगाए गए पेड़ को देखा, जहां उन्होंने पेड़ के देखरेख की स्थिति को सही पाया। वहीं किसान श्रीकांत यादव के द्वारा मनरेगा के तहत बनाए गए गाय सेड का निर्माण को दिखाया, वह भी सही पाया गया। जगतपुर पंचायत के 14 नंबर सड़क के किनारे बनाए गए सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण भी उन्होंने किया। वहीं निरीक्षण के दौरान पंचायत के मुखिया सोनी भारती, मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। शुरू हो गया है और दो काम अभी शुरू नहीं हुए, तो दो काम ही लोग शुरू कर रहे हैं। कहाँ पे सर? यहीं पे सही गए थे ना, जगतपुर पंचायत में है। क्या क्या और देखा गया सर आपके स्तर से, किस किस विभाग का काम देखा गया, निरीक्षण किया गया सर? मनरेगा का था मेन काम, और फिर जल नल का तो यहाँ चल ही रहा है, यहाँ पर पीएचडी का चल रहा है। तो पीएचडी के बारे में बताया गया कि दो जगह प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको बताया जाएगा। और कुछ खामियां पाई गई सर? नहीं, खामियां ऐसा तो कुछ नहीं है। और फिर इसका रिव्यू किया जा रहा है, आवास जो है ना यहाँ पे आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो उसमें किस कितने लाभुकों को मिल गया, अगर किसी को नहीं मिला तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है या क्या कुछ, या किसी का जियो टैगिंग नहीं हुआ है, तो इस तरह का जो इश्यूज है, तो यहाँ पर के जो आवास आए थे ना उनसे ये फीडबैक ले लिया गया, और देखे ग्रामीण लोग भी आए हुए थे, उनसे भी यही फीडबैक ले लिया गया कि आपका किसी का पैसा रह गया या किसी का पूर्ण हो गया, तो सैंपल टाइप से कि एक बेसिक आइडिया रह लग जाए कि लोगों को पैसा मिल जा रहा है जो प्रॉपर स्कीम्स है ना उसके द्वारा। और एक दो केसेस में जैसे कि नहीं मिला है तो उनका ये लिस्ट वो कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर ले रहे हैं, फिर उनको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नवगछिया सरकार के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे ट्रक एसोसिएशन। बिहार सरकार द्वारा 10 चक्का से ऊपर के ट्रकों में बालू गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगाने का भागलपुर जिला ट्रक एसोसिएशन ने जोरदार विरोध किया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने ट्रक मालिकों का व्यवसाय बंद करने की साजिश बताया है। जिला एसोसिएशन अध्यक्ष दीप नारायण सिंह, प्रवक्ता बबलू मंडल, संरक्षक राजेश झा ने प्रेस वार्ता में कहा कि नोटबंदी की तरह सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगाकर अपनी हट धार्मिकता दिखाई है। इसको लेकर जिला की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार की इस दमनकारी नीति, काला कानून, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 18 दिसंबर भागलपुर 0 माइल नॉर्थ बिहार के सभी ट्रक मालिकों के साथ महासभा होगी, जिसमें बिहार ट्रक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर सिंह के नेतृत्व में हजारों ट्रक मालिक द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग का मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो आदेश पारित किया गया है, उसके खिलाफ बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में, तत्वाधान में हम लोग भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग का एक महत्वपूर्ण आपात बैठक आयोजित की गई नवगछिया कार्यालय में, और इसमें आज यह निर्णय लिया गया है कि सरकार जो यह आदेश पारित किया है, इस आदेश के खिलाफ हम लोग एक आपातकालीन बैठक नॉर्थ बिहार के ट्रक मालिकों के साथ भागलपुर में 0 माइल में करने का निर्णय लिए हैं, और वह एक आम सभा होगी, और उस आम सभा का नेतृत्व हमारे बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं
भानुशेखर सिंह के नेतृत्व में वह कार्यक्रम आयोजित की गई है और उस बैठक में हम लोग का यह निर्णय होगा कि सरकार जो यह दमनकारी नीति अपनाई है 14 चक्का, मतलब कि 14 चक्का से ऊपर, 14 चक्का से लेकर 22 चक्का तक कोई भी गाड़ी पर गिट्टी और बालू लोड नहीं होगी। तो अब 14 चक्का से 22 चक्का सभी बंद हो गए तो अब लोग कहाँ जाएंगे? इससे पूरे बिहार की आबादी, हमारे मेजर साहब बता रहे 4 करोड़ लोग पर इससे प्रभावित होने जा रहा है अगर 14 चक्का गाड़ी रुक गई बालू और गिट्टी में। सर कि बिहार सरकार हम लोग का व्यवसाय बंद करने का साजिश कर रहा है। इस साजिश के तहत कल रात को एक निर्णय लिया गया, अभी के डेट में पता चल रहा है कि हर एक जिला में इस चीज को लागू भी कर दिया। इसके विरोध में हम लोग एक आम बैठक रखे हैं, उसको वापस लेना होगा और इस बैठक के माध्यम से हम लोग 18 को हर एक जिला में, बिहार के लगभग हर एक जिला में ये बैठक भी हो रही है। नवगछिया पुलिस व्यवसायी संवाद में छाया रहा नवगछिया शहर के जाम का मुद्दा। शहर की विधि व्यवस्था को स्थानीय लोगों ने रखी अपनी बात। नवगछिया में पोस्ट ऑफिस रोड स्थित बाल भारती के प्रशाल में बुधवार नवगछिया के SP स्वप्ना जी मिश्राम के उपस्थिति में वाणिज्य परिषद के तत्वाधान में आयोजित पुलिस व्यवसायी संवाद में मुख्य रूप से नवगछिया शहर के जाम का मुद्दा छाया रहा। जाम के अलावा स्थानीय लोगों ने नवगछिया शहर में खुलेआम चल रही अवैध लॉटरी, लगातार हो रही चोरी और गोलीबारी के अलावा शहर के विधि व्यवस्था के संदर्भ में कई मुद्दे को उठाया। सभा का संचालन शहर के वाणिज्य परिषद के अध्यक्ष कर रहे थे तो अध्यक्षता बाल भारती प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष समाजसेवी अजय कुमार उमटा कर रहे थे। मौके पर SDPO दिलीप कुमार, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमर विश्वास सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया की SP स्वप्ना जी मिश्राम ने कहा कि जाम की समस्या के निदान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के साथ विचार विमर्श कर निदान निकाला जाएगा। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि 4 से 5 दिनों में परिणाम सामने आएगा। नवगछिया SP ने कहा कि सामने आए सभी प्रकार की समस्याओं को उन्होंने गंभीरता से लिया है और सबों का रिजल्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी पदाधिकारी कर्मी अगर आपको लगता है कि जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आपसे कंप्लेन कर सकते हैं ताकि हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, तो जो हमारा काम है हम पूरी अच्छी तरीके से और ईमानदारी से करें, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, इसमें कोई सामान्य लोगों की या जनता की जिम्मेदारी नहीं, कम्प्लीटली हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको करें। और आप एज ए सोसाइटी जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम जगह पे देखें। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा रहेगा और ये इस फोरम के बियॉन्ड नहीं चलेगा, इसके बियॉन्ड नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिले, अगर कोई क्राइम से संबंधित इनपुट है तो बिल्कुल उसको डाल दें, और किसी अगर कोई लैब्स है किसी पुलिसकर्मी का अगर कोई लैब्स है तो बिल्कुल हमारे नॉलेज में लाएँ ताकि हम कार्रवाई कर सकें। तो यही शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके का इंटरेक्शन आगे भी धन्यवाद। वरीय अपर समाहर्ता ने गोपालपुर प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। बुधवार की दोपहर को DM प्रणव कुमार के निर्देश पर वरीय अपर समाहर्ता राजेश कुमार झा राजा ने गोपालपुर प्रखंड व अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज के 500 से अधिक मामले लंबित रहने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी को जमकर फटकार लगाई तथा तत्काल सभी लंबित मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस्माइलपुर अंचल कार्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि जिले में ही राज्य स्तर पर इस्माइलपुर में 100% दाखिल खारिज के मामले निष्पादित किए जाते हैं। उन्होंने राजस्व वसूली के लक्ष्य को भी 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। क्या दिशा निर्देश दिए? आज के निरीक्षण में राजस्व से संबंधित सभी बिंदुओं को देखा गया है और जो रोकड़ पंजी है तो रोकड़ पंजी का भी देखा गया है, अन्य प्रशासनिक व्यवस्था भी देखी गई है। मूल रूप से राजस्व का ही निरीक्षण करने के लिए हम आए हुए थे, तो उसमें लगान वसूली के संदर्भ में डायरेक्शन दिया गया है जो इसको इस महीने के अंत तक 40% निश्चित रूप से पूरा करें। ऑनलाइन म्यूटेशन
जो है उसमें 665 आवेदन लंबित है, तो उसको कहा गया है जो यथाशीघ्र डिस्पोजल करने के लिए इस महीने के अंत तक, और इसके मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने अलग से एक व्यवस्था की है DCLR के स्तर से, जो कि दैनिक समीक्षा डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेके और अंचल अधिकारी के स्तर तक होने वाले निष्पादन कार्यों की करते हैं। सर इतना लंबित जो रहता है, लंबित होने का क्या कारण होता है? लंबित यहाँ होने का एक तो कारण है, आपको ऑनलाइन जो हमारा जो सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में कुछ थोड़ा कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है, सर्वर डाउन का भी प्रॉब्लम चलता है, और तीसरी बात ये रहती है जो जो यहाँ गोपालपुर है तो गोपालपुर में नेट का भी कुछ कुछ इशू रहता है, इसकी इसके कारण कुछ लंबित रहते हैं। और स्वाभाविक है जो इसमें अंचल अधिकारी यदि चाह लेंगे तो निश्चित रूप से इसको, जैसे कि हमारा इस्माइलपुर रिमोट रहते हुए भी 100% लक्ष्य को पूरा कर रहा है, तो ये प्रतिस्पर्धा बनाई रखनी होगी। अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो भी इस्माइलपुर के तरह 100% निष्पादन का लक्ष्य इस साल के अंत तक कर लें। इसमें क्या सर ऑफिसर के कारण जो है कि लंबित रहता है, जैसे आप अभी बोल रहे हैं? देखिए ऑफिसर स्टाफ की कमी है, लेकिन किसी का कमी को हम लोग बहाना नहीं बना सकते हैं, तो जो भी कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए जो अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी, अतिरिक्त मेहनत करना होगा, परीक्षा आता है तो हम लोग अतिरिक्त मेहनत करते हैं, 8 घंटा के जगह पर 12 घंटा मेहनत करते हैं, तो उसी तरह यदि कर्मी मेरी कम है, एक ही कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, तो उसको अधिक मेहनत करके पूरा करने का। सर रवि गोसाई गांव का कुछ मामला भी आपके साथ मिलेंगे, तो उसका क्या कब तक समाधान होगा? उसका जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में विस्तृत डायरेक्शन दिया गया है, उसको हम लोग बेदखली वाद के तहत ले रहे हैं, क्योंकि सीलिंग के तहत उस जमीन का वितरण हुआ था, तो उस वितरण वाली जमीन को भूधारी के द्वारा बेच दी गई है, कुछ जमीन अभी भी भूधारी के पास में है, तो उसमें यही कहा गया, यही डायरेक्शन दिया गया, सबसे पहले उसका अभिलेख पूर्व से चला रहा है उसको कंटिन्यूट करने के लिए, और कुछ डायरेक्शन परिवादी को भी दिया गया जो वो डॉक्यूमेंट्स जमा करें और इसकी यथाशीघ्र पैमाइश करा लेंगे। पैमाइश कराने के बाद जो भूधारी के खाते की जो जमीन रहेगी उसका जमाबंदी कैंसिल करके हम लोग पहले उसको वितरण करेंगे। यदि भूधारी चाहेंगे जो हम जमीन बेचें, तो उसके लिए भी डायरेक्शन दिया गया है जो आप यथाशीघ्र 1 से 2 दिनों के भीतर दें, ताकि उस पर रोक लगाने के लिए हम निबंधन कार्यालय को आदेश कर सकें। नवगछिया में महासेकिंग में 86 लोगों एवं 5 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्रम के निर्देश पर पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन महासेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को महासेकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 86 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 4300 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 4 वाहन चालकों से 4000 रुपए जुर्माना वसूला है। बिहपुर पुरातत्व विभाग पटना की टीम ने गुआरी डी के पुरावशेषों का लिया जायजा। पुरातत्व विभाग पटना की 2 सदस्यीय टीम ने गुआरी डी के टीले और वहां से बरामद हुए पुरावशेषों का जायजा लिया है। टीम का यह अभियान बेहद गुप्त था और सर्च अभियान में लगे ग्रामीणों के अलावा टीम के आने की भनक किन्हीं को कानो कान नहीं लगी। टीम 2 दिनों तक गुआरी डी और पुरावशेषों का जायजा सूक्ष्मता पूर्वक लेती रही। ग्रामीण द्वारा पिछले 2 वर्षों से चलाए जा रहे सर्च अभियान के प्रमुख ग्रामीण अविनाश ने बताया कि टीम का नेतृत्व विभाग के ही विद्वान डॉक्टर हर्ष रंजन कर रहे थे। टीम मंगलवार को शाम में जयरामपुर गांव पहुंची थी और टीम के सदस्यों ने बरामद पुरावशेषों की विधिवत फोटोग्राफी की है। वहीं बुधवार को भी टीम दोपहर बाद तक बरामद सामानों की फोटोग्राफी करती रही। बुधवार को दोपहर में टीम गुआरी डी टीले पर पहुंची और वहां बिखरे पड़े पुरावशेषों का जायजा लिया और फोटोग्राफी भी की। टीले पर मिले 10 फीट मोटी दीवार के ईंटों का सैंपल भी इकट्ठा किया है और दीवार की लंबाई चौड़ाई की माप भी ली। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ
स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारे। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। ढोलबज्जा, चाचा को बचाने में अपराधियों ने भतीजे को गोलियों से भून डाला। भागलपुर व मधेपुरा जिले के सीमावर्ती इलाका चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत लवा लगाम पूर्वी पंचायत के खोपड़िया में अपराधियों ने दिन दहाड़े चाचा को बचाने के दौरान उसके भतीजे को ही गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। घटना बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे की है। परिजनों ने बताया कि खोपड़िया गांव निवासी जयलाल सिंह के पुत्र निरंजन सिंह घर से निकलकर सड़क किनारे दरवाजे पर ही थे कि दो मोटरसाइकिल ग्लैमर व अपाची पर सवार अपराधी आए और निरंजन सिंह पर गोली चला दी। गोली लगते ही निरंजन सिंह एकाएक एक तरफ कर भागे। इसी बीच मौजूद उसके भतीजे सुचित सिंह के पुत्र सुमन कुमार उर्फ टुनटुन ने अपराधी को अपने बाहों में जकड़कर पकड़ लिया। तब तक दूसरा अपराधी ने निरंजन को छोड़ टुनटुन को ही लगातार 4 गोलियां मारकर फरार हो गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर गांव के लोग जब तक मौके पर पहुंचे तब तक अपराधी बिंद टोली गांव की तरफ भाग निकले थे। ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों चाचा भतीजे को उठाकर चौसा अस्पताल इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने सुचित सिंह के बेटे टुनटुन को मृत घोषित कर दिया। वहीं जख्मी निरंजन सिंह को चौसा पुलिस के संरक्षण में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना के न तो कारणों का पता चल पाया है, न ही हत्यारों का पता चला है। चौसा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालपुर, खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर चालक सह ड्राइवर को अपराधियों ने घेरा, केले के खेत में छिपकर बचाई अपनी जान। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर के वरुण चौधरी के खेत में मालपुर निवासी महेंद्र शाह के सबसे छोटे पुत्र, जो अपनी ट्रैक्टर से खेत की जुताई देर शाम कर रहा था, को कुछ हथियार से लैंस अपराधी ने ट्रैक्टर को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच श्री शाह के पुत्र, जो ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, ट्रैक्टर को खेत में ही छोड़कर बगल के केले के खेत में छुप गया। किसी तरह अपराधियों की नजर से बचते हुए अपने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजन व ग्रामीणों को दिया। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना गोपालपुर पुलिस को दिया है। सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इसी बीच घटनास्थल के निकट मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने बताया कि महेंद्र शाह के 2 पुत्रों की हत्या पूर्व में ही कर दी गई थी। अपराधियों की मंशा ट्रैक्टर लूट के साथ हत्या करने की भी हो सकती है। नवगछिया, सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल। नवगछिया के रंगराज चौक ओपी क्षेत्र के NH पर सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों में रंगराज चौक ओपी क्षेत्र के तिनटेंगा दियारा के राजकुमार ठाकुर के पुत्र प्रभात कुमार, भूपेन मंडल के पुत्र रणधीर कुमार, चंद्रकिशोर गुप्ता के पुत्र सचिन कुमार हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गए। घायल जमुनिया निवासी स्वर्गीय राजेंद्र शाह के पुत्र कुंदन कुमार है। घायल को इलाज के लिए परिजनों ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स,
सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।